अब आपने सेल की स्ट्रेटजी तो बना ली है और सेल की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और देर इज ए वेरी हाई चांस कि जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं जिसके लिए सेल स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी आपके साथ वो स्ट्रेटजी बनाने में इन्वॉल्व हों आप सेल की स्ट्रेटजी बनाने के बाद सेकंड एस यानी कि सेकंड स्ट्रेटजी है सर्व की अब इस सर्व की स्ट्रेटजी से आपके जहन में क्या चीज़ आती है व्हाट एक्चुअली इज इ सर्व स्ट्रेटजी या अगर हम स्ट्रैटी को थोड़ी देर के लिए निकाल दें तो सर्व क्या होता है अब फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं और रेस्टोरेंट में जाकर बैठे हैं और आपने खाना ऑर्डर किया और खाना जब आपने ऑर्डर किया है तो आपके सामने वेटर आपका खाना लेकर आया है और आपने ऑफकोर्स खाना खाना शुरू कर दिया अब ज़रा थोड़ी देर के लिए रियलाइज़ करें या रिमाइंड करें वो एक्सपीरियंस के जो आपने किसी रेस्टोरेंट में किया जहाँ वेटर वॉज नॉट फ्रेंडली उसने आपको अच्छे तरीके से सर्व नहीं किया आपने मांगी कोई और चीज़ उसने ला के आपको कुछ और दिया आपने हो सकता है कहा कि भाई जो सैलड आप लेकर आ रहे हैं उसमें प्याज ना काट के डालना देखिए जब उसने सैलड ला टेबल के ऊपर रखा तो उस पर प्याज कटा हुआ था तो क्या होगा विल यू बी ए हैप्पी कस्टमर या आप दोबारा वेटर को बुलाएंगे और अगर फिर भी वेटर बात नहीं सुन रहा तो फिर आप मैनेजर को बुलाएंगे और फिर इवेंचुअली आप डिसाइड करेंगे कि भाई हमने अब दोबारा इस रेस्टोरेंट में नहीं आना और घर जब आप आएंगे तो आप फेसबुक के ऊपर या उसकी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू भी देंगे जो आने वाले इन द फ्यूचर जो कस्टमर्स हैं जिसको पढ़ेंगे और उस आ, पर्टिकुलर जो रेस्टोरेंट है उसका फीडबैक भी खराब होगा अब इन सब चीज़ों को जब आप जेन में रखें तो जस्ट बिकॉज के वेटर ने आपको ठीक तरीके से सर्व नहीं किया तो आप भी एज ए कस्टमर उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ने आपको लूज़ किया है और जो फ्यूचर में आने वाले कस्टमर्स हैं उनकी भी पॉसिबिलिटी है कि उनको भी वो लूज करें इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी जब आप सर्व की स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ वो चीज़ अपने यूज़र को सर्व करें कि जो यूज़र मांग रहा है अगर एक ऐसी वेबसाइट है जो क्रिकेट स्ट्रीमिंग करती है यानी कि डिफरेंट चैनल्स की स्ट्रीमिंग करती है अपनी वेबसाइट के ऊपर इरिस्पेक्टिव ऑफ़ के वो लीगल है या इलीगल है और आप उस वेबसाइट पे गए और जाकर आपने लिंक के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वो बजाय इसके कि आपके सामने लाइव स्ट्रीमिंग दिखाए वो डिफरेंट एड्स दिखाना शुरू कर देते हैं चलें एक क्लिक के ऊपर एक एड खुले दैट इज़ फाइन दो तीन चार एड्स खुले बिकॉज दिस इज हाउ दो वेबसाइट दे अर्न मनी लेकिन अगर बार बार क्लिक करने से वो एड्स खुल रही हैं और आपके सामने स्ट्रीमिंग नहीं आ रही तो क्या होगा आप फ्रस्ट्रेट होंगे और फ्रस्ट्रेट होकर आप उस वेबसाइट को बंद करेंगे एंड देन यू विल गो बैक एट गूगल और गूगल पर जाके दोबारा सर्च करने के बाद आप किसी और वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां जाके मैच देखेंगे आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्व स्ट्रेटेजी बनाते वक्त जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आइए जरा थोड़ा सा उसका जिक्र करते हैं सबसे पहले आपने जिस चीज के ऊपर फोकस रखना है और ये जहन में रखी दैट इज़ सॉलविंग रियल प्रॉब्लम्स सबसे पहले बैठ कर ये देखें कि हम कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सर्व करने लगें उसको फाइंड आउट करें और उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे याद करें पिछले कुछ सेशन जिसके अंदर मैंने बात की थी कि रिसर्च करें ऑलवेज़ फाइंड आउट कि आपका यूज़र कौन है वो कौन से टाइम के ऊपर इंटरनेट यूज़ करता है कौन कौन सी वेबसाइट्स विजिट करता है और आपकी पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक पेज है या वेबसाइट है या लिंक इन का पेज है उसको क्यों विजिट कर रहा है वट एक्चुअली इज द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर और उस प्रॉब्लम को फाइंड करें और फाइंड करके उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं कि उसको सॉल्व कैसे करना है लेकिन दैट हैज टू बी अ रियल प्रॉब्लम सेकेंड पॉइंट स्टेइंग रेलिवेंट एंड जेनुन जी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी आप कोई कॉन्टेंट बना रहे हैं या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसका सोल्यूशन दे रहे हैं तो जो कॉन्टेंट आप बना रहे हैं देट हैजू बी जेनविन एंड रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर कस्टमर का प्रॉब्लम कुछ और है कॉन्टेंट आप उसको कुछ और दे रहे हैं या कॉन्टेंट इज नॉट जेनविन तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो कंटेंट इंटरेस्टिंग तो है लेकिन द पीपल विल स्टॉप क्लिकिंग योर पर्टिकुलर पोस्ट मैं आपको एक अपनी बल्कि इसके ऊपर एक्जाम्पल देता हूँ फेसबुक पेज के ऊपर फेसबुक वेन आई यूज़ इट तो उस पर एक ऐसा पेज है विच इज़ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान और वो पेज डिफरेंट न्यूज़ जो है डिफरेंट अपडेट्स पाकिस्तान रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है उसको पोस्ट करता है अपने पेज के ऊपर दे यूज़ टू बी अ टाइम कि जब भी वो पोस्ट किया करते थे तो मैं फ़ौरन उनकी पोस्ट पे क्लिक करता था आ, वो क्लिक करने के बाद मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाते थे और उस वेबसाइट के ऊपर जब भी मैं देखता था तो आई यूज़ टू रीड दैट पर्टिकुलर आर्टिकल जो उन्होंने फेसबुक के ऊपर जिसका लिंक दिया होता था लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि जब भी मैं उस लिंक पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर जाता हूँ तो लिंक मुझे कुछ और बता रहा होता है जब मैं वेबसाइट पर जाके पढ़ता हूँ तो वो कुछ और चीज़ होती है तो आई स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट अब अक्सर ये होता है कि मेरी न्यूज़ फीड के ऊपर फेसबुक पे उस कंपनी या उस पेज का आ, लिंक आ रहा होता है और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हेडलाइन होती है कि पाकिस्तान में ये वाली गाड़ी वो लॉन्च हो गई और उसकी कीमत जानने के लिए इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करें लेकिन मैं उसको क्लिक नहीं करता क्योंकि मेरे जहन में ये चीज़ बैठ गई है कि अगर मैं इस पर क्लिक करके वहाँ जाऊँगा तो इट इज़ गोइंग तो टू बी ए टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज क्योंकि ये कभी भी जेनवन कॉन्टेंट जो है वो पोस्ट नहीं करते इसी वजह से दे हैव लॉस्ट वन यूज़र अब मेरी तरह के पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे यूज़र्स हैं कि जो उनके पेज को विजिट जिन्होंने करना छोड़ दिया है। हमने उनका फेसबुक पेज तो लाइक किया हुआ लेकिन वी आर नॉट गोइंग ऑन देयर वेबसाइट और जब तक हम उनके वेबसाइट पे नहीं जा रहे तो दे आर नॉट रनिंग एनी मनी ऑल्सो तो इस वजह से जब भी आपने सर्च स्ट्रेटजी बनानी है तो प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये देखना है कि जेनवननेस और रेलिवेंस ये दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी हैं और लास्ट के अंदर मेक इट ए ग्रेट एक्सपीरियंस आप उसको एक स्टैंडर्ड जेनेरिक एक्सपीरियंस ना रखें आप डिफरेंट वेबसाइट में हमेशा सी नेट डॉट कॉम की एग्जाम्पल देता हूँ सी नेट डॉट कॉम ये दुनिया की सबसे बड़ी रिव्यू वेबसाइट है जाइए उनके ज़रफ़ पेज के ऊपर विज़िट करें वेबसाइट को विजिट करें उनके इवेंट्स के देखें कि वो इवेंट्स को किस तरीके से कवर करते हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं कि जो नई प्रोडक्ट्स जब रिलीज़ होती हैं तो उनके इवेंट्स को कवर करते हैं वो कैसे कवर करते हैं उनके कॉन्टेंट को देखें एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएं ताकि आपका यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा स्टे कर सके आपकी वेबसाइट के ऊपर और वो आपके इन द फ्यूचर जो भी चीज़ आप पोस्ट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ता रहे अब इन सब चीज़ों के बाद आपने दो चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है नंबर वन टेकिंग द इनिशिएटिव हमेशा खुद इनिशिएटिव लें खुद बात करें अपने यूज़र के साथ और कनेक्ट करने की कोशिश करें ऐसा ना हो कि आप सर्व स्ट्रेटजी तो बना रहे हैं उसमें आपने कंटेंट का भी बात कर ली आपने ये भी बात कर ली कि अच्छा हम एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बनाएंगे लेकिन आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे आप नई चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने यूज़र के साथ ऐसा नहीं करना आपने आप इन तमाम चीज़ों को जहन में रखें एंड ट्राई टू टेक इनिशिएटिव टू कनेक्ट विद योर यूज़र और लास्ट के अंदर अगेन फीडबैक से ना आप घबराएं वर्क ऑन द फीडबैक जब भी कोई आपको फीडबैक दे रहा है उस फीडबैक को लें उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करें इंटीग्रेट करें क्योंकि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने आपके कॉन्टेंट को पढ़ना है अगर कोई आपको एक अच्छा फीडबैक दे रहा है तो उस फीडबैक को लेने के बाद जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो यूज़र बेस है उसको बढ़ाएगा और इस तरीके से आप एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव सर्व स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब होंगे इसको अपने तौर के ऊपर प्रैक्टिस करने आपने जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बनाएंगे तो उसमें सर्व स्ट्रेटजी बनाना कभी ना भूलिएगा